चलो तुम्हारी चाल है यूबी। अच्छा इतनी बड़ी चाल, तो ये लो राजा और 9 नंबर। हाँ राजा और रानी, जरूर तुमने कोई चीटिंग की है यूबी। कोई बात नहीं, अब तुम बांटो। ये रही मेरी चाल और ये लो मेरे राजा और रानी। अब बताओ क्या इस बार भी जीत गए? बस अब मैं नहीं खेलूंगा, तुमसे जीतना बहुत मुश्किल है। बी 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 बी। क्या तुम्हें और खेलना है? बी 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 बी। मिचियो, क्या तुम घर पे हो? ताकेमी, वो भी छुट्टी के दिन। देखता हूँ इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग। अरे इतनी सुबह सुबह तुम लोग कहाँ जा रहे हो? नदी के किनारे मछली पकड़ने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले बोटिंग करेंगे, खूब मजा आएगा। वैसे तुम चाहो तो नहीं भी आ सकते हो। वाह वाह, रुको रुको मैं भी आऊँगा। यूबी, मैं बोट चलाने और मछली पकड़ने जा रहा हूँ, तुम अकेले खेलो। बीबी, बीबी। ताकेमी, मैं आ गया, चलो चलते हैं। यूबी क्या कर रहे हो? उतरो यहाँ से, नहीं तो गिर जाओगे। बीबी, 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 बीबी। खबरदार, जो अब यहाँ से हिले तो, समझे तुम? बीबी। यूबी को भी साथ लिया होता तो बहुत मजा आता। मिचियो मिचियो के सारे काम यूबी तो करता है, मिचियो उसका पापा जो है। बहुत मजा आ रहा है। अभी मिचियो के बोट की हवा निकालता हूँ, हमेशा मेरी ताकेमी के पीछे लगा रहता है, आज छोड़ूंगा नहीं। और फिर मैं जल्दी से जाके ताकेमी को बचा लूंगा। तुम कितने प्यारे हो, तुमने मेरी जान बचाई। ताकेमी तुम कितने प्यारी हो, अब तुम मेरी हो। मिचियो तू तो गया। देखना सबसे बड़ी मछली मेरे कांटे में ही फंसेगी, मछली पकड़ने का चैंपियन हूँ। तुम चैंपियन नहीं, चंपू हो। चंपू ये नहीं, तुम हो मिचियो। आहा, फंस गई। तेरे लक में जूता ही है। अब मैं 1 मिनट में आ जा रहे हो मिचियो? मैंने कहा ना 1 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हें घर पे रहने को कहा था ना, यहाँ क्यों आ गए तुम? तुमने ठीक नहीं किया। चुपचाप जाओ यहाँ से। अरे वहाँ लगता है इस बार मछली बसी है। इस बार जूता भी नहीं, चप्पल है। आज हमारे हाथ में चप्पल और सैंडल ही क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मछली पकड़ना होशियार लोगों का काम है, और होशियार मैं ही हूँ। देखना मेरे कांटे में 8-10 मछलियाँ होंगी। लगता है मेल मछली फंसी है। उए, 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 चश्मेश क्या कर रहा है? अरे तुम कहाँ से आ गई? चोर तो मेरा काटा। मेरी नाव के पीछे क्यों पड़ा है? आज तो तुझे डुबा दूंगी। काटा चोर। अरे उसने मेरा काटा तोड़ दिया।
खामखा मेरी स्विमिंग खराब कर रहे हैं। लगता है आज का दिन ही खराब है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, दिन अभी खत्म कहाँ हुआ है। यूबी, ये सब तुमने किया ना। ओफो, ये मानता क्यों नहीं। और कितनी बार हराओगे मुझे, रात हो गई है, मान जाओ ना। राजा और रानी, तुमसे कैसे जीतूं समझ में नहीं आ रहा। बाटो, इस बार मैं ही जीतूंगा। ये राजा और रानी मेरे पास है, मैं जीत गया। फिर से इक्का, ये तो चीटिंग नहीं हुई, मैं नहीं खेलूंगा। ये क्या सारे गलत जवाब है। सॉरी सर। सॉरी व्हाट सॉरी, मैं खबर लूंगा तुम्हारी। आज तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगा, तभी अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। गया काम से। मिची, आज तो तुम फंस गए। पूरी स्कूल को पता है कि सर तुम्हारे घर पे शिकायत करने जा रहे हैं, अब क्या करोगे। मम्मी से मार खाऊंगा और क्या। मिचिया, तुम मम्मी को मेरे घर खाना खाने भेज दो, फिर सर घर पहुंचकर किससे शिकायत करेंगे। वाह, क्या आइडिया है। क्या तुम सच में मेरी मम्मी को अपने घर रोक लोगी। बिल्कुल। ताकि मैं, ये गलत बात है। एक तो उसने गलत आंसर दिया और तुम उसकी मदद कर रही हो। दोस्तों की हमेशा मदद करनी चाहिए। ताकि मैं कितनी प्यारी है। थैंक यू ताकि मैं घर जा रहा। मम्मी, मैं आ गया। हाँ मम्मी, आप कहाँ जा रही हैं। बेटा, बाहर जाते वक्त टोकते नहीं। मम्मी मम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो। कल है ना, मेरे सपने में एक साधु आए थे। झूठ मत बोलो। नहीं मम्मी, सुनिए तो सही। मैं सब्जी लेकर आती हूँ, तब तुम अपना सपना सुनाना। लेकिन तब तक मैं सब भूल जाऊंगा। ताकिमी का फोन होगा। हेलो ताकिमी, मैं बोल रहा हूँ। मम्मी तो अभी काम से निकल गई है, जैसे वो वापस आती है मैं उन्हें तुम्हारे यहाँ भेजता हूँ। सब संभाल लेना। हाँ? बीबी? कैसे हो यूबी, क्या कर रहे हो। बीबी? आज नहीं यूबी, आज सर मम्मी से मेरी शिकायत करने आ रहे हैं। अगर मम्मी से उनकी मुलाकात हो गई तो शामत आ जाएगी। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ यूबी, कुछ ऐसा करो ना जिससे सर का प्लान चेंज हो जाए और वो यहाँ आए नहीं। बीबी? यही एक रास्ता है। नहीं 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 यूबी, तुम कुछ मत करो। प्लान कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तुम्हारा सर बोल रहा हूँ, रेडी हो जाओ, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। बीबी, अब क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। बीबी, अरे पापा के बच्चे, मेरी धुलाई होने वाली है। क्या, क्या कर रहे हो। मम्मी, मैं आपकी राह देख रहा था, ताकिमी की मम्मी ने आपको खाने पे बुलाया है। अरे बेटा, लेकिन मैं इतनी सारी सब्जी ले आई हूँ, इनका क्या करूँ। मम्मी, इन्हें फ्रिज में रख दीजिए, कल बना लेंगे ना। कल क्यों, अभी बना लेती हूँ, शाम को खा लेंगे, खाना बना कर ही जाऊंगी। अरे ताकिमी की मम्मी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, पहले खाना खा के आती हूँ फिर बनाऊंगी। तब तक तुम लोग घर में रहो और कोई शैतानी मत करना। ला 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 ला। वाह यूबी, थैंक यू यूबी, तुमने तो मेरी जान बचा ली। ये सर आ गए। हेलो सर, कैसे हैं आप। मीठियो, मुझे भी हेलो बोलो। अरे तुम यहाँ कैसे। सर मम्मी बाहर गई हुई है, पता नहीं कब तक वापस आएंगी। लेकिन वापस तो आएंगी ना, आपको उनसे मिले बिना नहीं जाना चाहिए सर, आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए। आप यही रखिए, मैं उनको ढूंढ कर लाता हूँ। ठीक है, जल्दी ढूंढ के लाओ। पहले आपको अंदर तो छोड़ दूँ सर। अरे क्या कर रहे हो। मैं यूं गया यूं आया। ठीक है, आज तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अरे ये इतना प्यारा बच्चा कौन है, क्या नाम है तुम्हारा। सर वो लड़का ना बहुत झूठ बोलता है और सबको ऐसे ही परेशान करता रहता है। वो तो झूठा है, तुम झूठों के सरदार हो। सर मैं जरा फोन देख कर आया। मिचियो, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन तुम्हारी मम्मी खाना खाने के बाद फौरन घर चली गई। हाँ अब तो गड़बड़ हो गई। सर मैं मम्मी को लेके अभी आता हूँ, आप थोड़ी देर रुकिए। यूबी सर के साथ रहना। अयो 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 अयो।
नीचियो कब आएगा, इधर ही इंतजार करना पड़ेगा। लगता है एक और खट्टी चाय पीनी पड़ेगी। बस बहुत हो गया, ये मीचियो कब आएगा? अयो तुम कार खेलते है? अब तो यू भी जरूर सर को परेशान करके भगा देगा। ये लो, इसके ऊपर खा डालो और जीत के दिखाओ। अयो ये कैसे हो गया? मैं नहीं मानूंगा हार, तुम्हें पड़ेगी मार। कार्ड्स बांटो, कार्ड्स बांटो। इस बार मैं जीतूंगा। अरे मीचू, तुमने ये घर खुला क्यों छोड़ा है? चोरी हो जाती तो? और ये क्या शोर कौन मचा रहा है आपको? इस बार तू गया छोटे रिचार्ज। अयो ये छोटा है पर किस्मत से मोटा है। अरे सर, ये क्या आप मेरे घर में बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? आज तक मुझे कोई नहीं हरा पाया, पर ये छुटकों ने मुझे हरा दिया। तुम्हें पहनाऊंगा हार का हार। लगता है यूबी ने अपना जादू चला दिया, सर को कुछ होश नहीं। नीचे तुम्हारे सर सुन क्यों नहीं रहे? उनसे कहो मैं आ गई। हाँ ठीक है मम्मी। सर, सर मम्मी, आज मैं किसी से नहीं मिलेगा। मैं छोटू को हराएगा, जीत कर जाएगा। इतनी जोरदार बारिश है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ, बहुत देर से बारिश हो रही है। मेरा खेलने का बहुत मन था, अगर बारिश नहीं रुकी तो मैं टेनिस कैसे खेलूंगी? मैं खेलूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। पहले मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। नीचे तुम हमेशा मेरी नकल क्यों करते रहते हो? नकल मैंने, तुम करते हो। अच्छा जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कौन चोर कौन कोतवाल पता चल जाएगा। चुप हो जाओ। सबसे पहले टेनिस खेलने का मैंने सोचा था, ताकि मैं, जब मैंने इसे कहा कि बारिश रुकते ही मैं ताकि मैं के साथ टेनिस खेलूंगा, तो ये वही बात तुम्हें कहने आ गया। ये झूठ बोल रहा है ताकि मैं। झूठ बोले कौवा काटे। तुम्हें काटेगा कौवा। मुझे नहीं, तुम्हें काटेगा। तुम्हें काटेगा, तुम्हें काटेगा, तुम्हें काटेगा, तुम्हें काटेगा। चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें काटूंगा। सबके लिए गर्मा गर्म चाय। बीबी 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 बीबी। वाह मेरे बच्चे यूबी, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। बीबी 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 बीबी। अरे ये बरसात तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी अगर बारिश नहीं रुकी तो? बरसात नहीं रुकी तो बाढ़ आ जाएगी बेटा। नहीं होगा ऐसा कुछ, ऐसा कुछ होगा नहीं। चाहे कितनी भी बारिश हो, शहर में बाढ़ नहीं आ सकती, नहीं सकती। मैंने रिसर्च कर ली है, पूरी रिसर्च कर ली है। जब बहुत होती है बारिश तो हमेशा शहर के किनारे बना हुआ बांध रोक लेता है उसे, फिर उसे शहर के बाहर निकाल देता है। सब लोग हम रहते हैं बिल्कुल ही सेफ। अरे वाह मीचू के पापा, आप तो बड़े होशियार हैं। हाँ सच में पापा। मुझे तो पहले से पता था कि आप में कुछ खास बात है, लेकिन शादी के वक्त तो आप बहुत ढीले ढाले लगते थे। मतलब है क्या तुम्हारा ढीले ढाले से? अरे मतलब बुद्धू। अच्छा लगता था बुद्धू मैं? आओ बिजली कर दो मीचू की मम्मी पे, मम्मी पे मीचू की। पापा पापा, आप तो सच में बहुत होशियार हैं। तुम चुप रहो, रहो तुम चुप मीचू। आओ कर दो मीचू की मम्मी पे बिजली, कर दो मीचू की मम्मी पे। अब तो मुझे डर लगने लगा है। बीबी बीबी बीबी। डरने की बात तो है ना यूबी, अगर ऐसी बारिश होती रही तो धीरे धीरे हवाएं और तेज होंगी, बिजली कड़केगी, पानी बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता जाएगा और फिर राक्षस की तरह घर में घुस जाएगा। यूबी डर गया, यूबी डर गया। लेकिन ये बारिश कब रुकेगी?
लगातार पानी बरसने की वजह से जनता हैरान है और सरकार परेशान है। हर तरफ जान माल का बहुत नुकसान हो रहा है। आराम करो, हाहाकार मचा हुआ है। पानी खतरे के निशान से ऊपर जा सकता है। सभी लोग अपने घरों में ही रहें, जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले और छाते के बिना बिल्कुल न निकले। छाता आपको सुरक्षित घर पहुँचा सकता है। क्यों परेशान कर रहे हो यूबी? इतनी तेज बारिश में कैसे घूमने जाएंगे? सुना नहीं तुमने टीवी पे आंटी जी ने क्या कहा? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है यूबी। लेकिन इतनी तेज बारिश में बाहर किस चीज में बैठ के उड़ेंगे हम लोग? हाँ, इसे तो मैं भूल ही गया था, ये तो तुम उड़ा सकते हो। चलो बैठते हैं। ऐसे तो हम भीग जाएंगे यूबी, कुछ तो करो। मैं गिर जाऊंगा यूबी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हम तो न्यूज रूम में पहुंच गए, पर हम यहाँ क्यों आए हैं यूबी? न्यूज तो हम घर पर भी सुन सकते थे। आइए अब हमको बताते हैं कि कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ बारिश नहीं हो रही है। आइए देखते हैं, जहाँ जहाँ आपको छाते की चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये क्या? समझ में नहीं आ रहा कहाँ कहाँ बारिश हो रही है और कहाँ कहाँ नहीं हो रही है। दीदी दीदी दीदी, क्या किया यूबी? सब उस बेचारी आंटी पे चिल्ला रहे हैं, उसे डांट रहे हैं। तुमसे बिना कुछ के रहा नहीं जाता। मैं तो झूले पे तुम्हारे साथ उड़ उड़ के थक गया। अब तो इतनी नींद आ रही है कि मन कर रहा है यहीं जमीन पे फैल के सो जाऊं। थैंक यू यूबी, तुमने बचा लिया वरना मेरा सर फूट जाता। यूबी, ताकेमी के साथ टेनिस खेलने जाना है, मैं तो भूल ही गया था। चलो जल्दी। हम उससे पहले आ गए यूबी। मिचियो, हाय ताकेमी। अरे वाह, यूबी भी आया है, बहुत मजा आएगा। यूबी मेरी मदद करने के लिए तैयार? खेलेंगे कैसे, बारिश तो रुकी ही नहीं। हम लोग तो अपनी छतरी ले आए हैं, हम लोग तो छतरी में भी खेल सकते हैं, अब तुम्हारा क्या होगा? हाँ कोई बात नहीं, बारिश जरूर रुकेगी। बारिश तो रुकेगी नहीं ताकिमी, चलो हम लोग खेलना शुरू करते हैं। रुक गई बारिश। ये कैसे रुक गई? मैंने तो नहीं रोकी। बारिश से रुक गई, अब हम खेल सकते हैं। चलो जल्दी रैकेट निकालो। ये बीबी, मैं ताकिमी की टीम में रहूंगा। नहीं मैं रहूंगा। नहीं नहीं मैं रहूंगा। सबकी बारी आएगी। ये लो। क्या हुआ यूबी, क्यों बुला रहे हो? बीबी, पानी। क्या तुम कह रहे हो कि जोरदार बारिश होने वाली है? अरे ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। प्लीज यूबी, इसे कुछ देर के लिए रोक दो। मैं ताकेमी से किसी तरह खेल बंद करने को कहता हूँ। ताकेमी चलो ना, अब खेल बंद करते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, कल फिर से आके खेलेंगे। क्या कह रहे हो मिचियो? मिचियो ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, हारने लगे तो भाग रहे हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं गेम बीच में छोड़कर नहीं जाऊंगी, वरना ये लोग हमेशा कहते रहेंगे कि हम हार गए। और वैसे भी खेल के कौन सा जीत जाते तुम लोग? हम दोनों को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, समझ गए तुम लोग? बिल्कुल सही कहा। अब तो तुम्हें हरा के ही रहूंगी। चलो मिचियो, मुझसे पंगा लियो। इसी तरह बारिश को रोक लो, आज इन दोनों चंपुओं को हराना ही है। ये लो ये लो।
यस मिस चंपू। आ गई बॉल। निकल गया। यूबी कुछ करो ना मेरे दोस्त, यूबी की तो हालत खराब है। ये लो। आप खेल के दिखाओ, अभी बताता हूँ। क्या बात है मिचियो, तब तो बहुत अच्छा खेलते हो मेरे प्यारे मिचियो। हमारे कितने पॉइंट हुए हैं? मुझे नहीं पता, गेम के बताता हूँ। मुझे परेशान कर रहा है काला बिल्ला। बीबी आज रात कोई चलेंगे? अरे चुपके से घुस चलेंगे कैमरा लेके। नहीं, दुनिया में अच्छा दिमाग सिर्फ मेरा है। सर आप तो बहुत अच्छा मजाक कर लेते हैं। सर मैं से यही तो कह रहा था कि दुनिया में सबसे अच्छा दिमाग आपका ही है। लेकिन पहले एक सलाह देना चाहता हूँ, रात को धूमड़ो वहाँ पर मत जाना। ऐसा क्यों सर, कोई खतरा है क्या? वहाँ पर बहुत ही खतरा है। जैसे ही रात होती तालाब में से खतरनाक भूत निकलती और फिर धीरे से लैब में घुस जाती। फिर लैब में बैठकर वो उठपटांग चीजें बनाती। जब वो थक जाती बगल वाले हॉल में वो पियानो बजाती अपना पसंद का गाना। अब मैं क्या करूं, अगर कहीं वो आत्मा आ गई तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बीबी बीबी हाँ यूबी, मेरे पास एक आइडिया है, तुम भी साथ चलोगे? यूबी को लाके तुमने अच्छा किया मिचियो। बीबी 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 सुनकर तो मैं परेशान हो गया हूँ। यूबी बीबी यूबी से पंगे मत लो, हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। हम लोग ने बिल्कुल सही वक्त चुना है, रात के वक्त में कैमरा पिक्चर भी अच्छी खींचता है। ओहो इतना क्यों डरते हो? कितना डरते हैं ये लोग, हमें बचा लेना, हमें बचा लेना। मीचो की तो बोलती ही बंद हो गई, कैसे कांप रहा है। ये क्या चीज है? कुछ तो गड़बड़ है। आ गया पकड़ में। यही वो चीज है जो हमें डरा रही थी दोस्तों, जब इस टूटे हुए आईने में चांद की रोशनी टकराती थी तो ये आईना पलट के चांद की उन सारे किरणों को इस पानी में फैला देता था और उसे ही देखकर तुम लोग डर गए। ओ, तो ये बात थी? हाँ बस इतनी सी बात थी और तुम लोग डर रहे थे। सब लोग मेरे पीछे पीछे चलना, क्योंकि डरपोक लोग आगे नहीं चलते। लगता है ये कमरा बहुत दिनों से बंद था। क्या फोटो आई है?
दरवाजे से सबसे पहले तुम अंदर जाओगे। ये कौन सा मुश्किल काम है? इससे तो वो खुलेगा ही नहीं। तातियो तुम जाके उसकी मदद क्यों नहीं करते? बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी मदद से भी ये दरवाजा नहीं खुलेगा, किसी से भी नहीं खुलेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब, जब से हम इस इमारत में घुसे हैं तुम लोगों ने एक भी लाइट जलती हुई देखी है क्या? नहीं ना, यहाँ तक कि इस कमरे की भी लाइट नहीं जल रही है। इससे ये साबित होता है कि यहाँ की सारी चीजें बिजली से चलती है, इसलिए जब तक बिजली नहीं आएगी ये दरवाजा नहीं खुलेगा, चाहे कोई भी कुछ भी कर ले। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। अरे वाह दोस्तों, ये दरवाजा तो खुल गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खोला तो दाई बुत्सु ने ना, नीचे की तो पैंट ढीली हो गई थी इसे खोलते खोलते। आ जाओ दोस्तों, अब पियानो वाले कमरे की तरफ चलते हैं। बचा लो, उसे मत छोड़ना दादा। इसे तो मैं बाद में मजा चखाऊंगा। आपको कहाँ जाना है, मैं उछलते कुत्ते आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि मैं तो आपका दोस्त हूँ, आपने पहचाना क्या? चुपचाप आतियो, तुम्हारी फोटो खींचता हूँ। अरे वाह मिचियो, तुम तो बहुत बहादुर हो। पर मुझसे बड़ा बहादुर तो तातियो है। डरो नहीं, यहाँ कोई भूत नहीं है, क्यों है ना यूबी? मेरे साथी आखिर अंदर है कौन? क्यों माइन मीठा नाइन, भूत का कहानी सुनने के बाद भी तुम लोग यहाँ क्यों आई? लेकिन सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे पड़ोसी का डॉगी मेरे को सोने नहीं देता, इसलिए रात को यहाँ सोने को आ था। ए यूबी, तुम बहुत ही अच्छा कार्ड्स खेलती, चलो खेलते। सोचिए आज हम किससे मिलने जा रहे हैं? दीदी? जी हाँ, गिरी को चैन से। आज वो घूमने यूबी, कहीं टीवी तोड़कर अंदर मत घुस जाना। क्या गिरी को चैन से कुछ सवाल पूछे? हाँ हाँ जरूर पूछिए, अगर मूड अच्छा हुआ तो आपको जवाब जरूर मिलेगा। गिरी को चैन, आपको कैसा लग रहा है? देखा आपने कितनी स्मार्ट है, कह रही है मम्मी से पूछ लीजिए। मैं घर आ गया। अरे यूबी, इतना क्यों चल रहे हो, क्या हो गया तुम्हें? गिरी को चैन को देखा ना, इसलिए। वो ऐसे कहाँ दिख गए? टीवी पे और कहाँ, बस उसी के बाद से इतना उछल कूद रहा है। काश ऐसा हो जाए कि यूबी और गिरी को चैन की दोस्ती हो जाए और वो उसे लेकर कहीं दूर भाग जाए, हमारी फैमिली रातों रात मशहूर हो जाए, हमारे इंटरव्यूज होंगे, हम टीवी पे दिखाए जाएंगे, पैसों की बरसात होगी। आज तक तो यूबी ने सिवाय बीबी के कुछ नहीं किया है, कम से कम इसी बहाने हम मशहूर तो हो जाएंगे, हम सबकी जिंदगी सेट हो जाएगी। मीठियो बेटा, बस करो मम्मा।
देखो कसुमी किरी माची की ऑटोग्राफ वाली फोटो। अरे दादी ये तुम्हें कहाँ से मिली? मिली क्या, उन्होंने खुद ही मुझे दी है। वो तो मुझे अच्छी तरह से जानती है, मुझे देखते ही बोली ये लो तातियो ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। अरे वाह क्या बात है। कसुमी किरी माची और किरी को चैन आज शाम को पार्क में आने वाली है, हम भी चले। हाँ ये न्यूज तो मैंने भी सुनी है, वहाँ बहुत भीड़ होगी ना, प्लीज तुम हम सबको भी साथ में ले चलोगे? हमें भी उनसे मिलके उनका ऑटोग्राफ लेना है, ले चलोगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब क्या करूँ ये तो मेरे गले ही पड़ गई। हम यूपी को भी साथ लेकर चलेंगे, वो किरी को चैन का बहुत बड़ा फैन है, उसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा, सारा दिन उछलता ही रहेगा। हाँ बहुत मजा आएगा। अरे यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। यहाँ तो बहुत भीड़ है, हम उनसे कैसे मिलेंगे? आ गई मैडम जी, आ गई। एक सवाल अब हम क्या करेंगे? हाँ किरी को चैन को सबने ऐसे घेर लिया है जैसे घर ही उठा कर ले जाएंगे। लगता है आज हम उनसे नहीं मिल पाएंगे। गार्डन में घूमना तक मुश्किल कर देते हैं ये लोग। चलो बेटा। अरे वाह किरी को चैन तो यही आ रही है, अब तो ऑटोग्राफ जरूर मिलेगा। चलो तुम सब कौन से मिलवाता हूँ? सबसे पहले मैं मिलूंगा। हेलो हेलो चलो बेटा सबको टाटा बाय बाय बोल दो। कसुमी किरी माची। हाँ बीबी। यूबी अब कब तक किरी को चैन की याद में मुंह लटकाए बैठे रहोगे? जाओ कुछ खा पी लो फिर सोते हैं। हाँ यूबी किरी को चैन टीवी पर। जब से मेरी बच्ची पार्क में घूम कर आई है ना कुछ खाती है ना पीती है। आप ही बताइए क्या बात है किरी को चैन जी? बीबी यूबी। आ, क्या कहा जरा फिर से तो कहा। यूबी। हाँ किरी को चैन ने तुम्हारा नाम ले लिया यूबी। यूबी अब तुम्हें भी किरी को चैन का नाम बोलना सीखना ही पड़ेगा। किरी को चैन। चलो अब तुम बोलो। चैन। वाह यूबी ने इसका नाम बोलना सीख लिया। बीबी बीबी। किरी को चैन। यूबी अब बस बहुत हो गया, अब सारा दिन इसी का नाम लोगे क्या? संभाल कर रहिएगा। हुँ, 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 हुँ,
काश मैं सुपरमैन बन पाता। वाह यूबी, इसमें तो बहुत मजा आएगा। तुम्हारे साथ मिलकर मैं दुश्मनों की छक्की छुड़ा दूंगा। ये अब मुझे कुछ अलग तरह के कपड़े बनाने पड़ेंगे जिससे मुझे कोई पहचान न सके। ये कौन है? पहचाना नहीं, मैं तुम्हारी मम्मी हूँ बेटा। आज मोहल्ले में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और उसमें मैं सबकी छुट्टी कर दूंगी। अच्छा, ऐसा क्या? क्या घर पे कोई है? चिट्ठी आई है। लो, मैं आ गई। डरने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने अपना मास्क उतार दिया। अब बन गया मैं सुपर हीरो। यूबी, सुपर हीरो सही नाम है या कोई दूसरा रखो? चलो यूबी, प्रैक्टिस कर लेते हैं वरना पता लगा मौका आने पर गड़बड़ हो गई। ऐसा लग रहा हूँ, मन कर रहा है कि आज मैं यही रह जाऊँ। सुपर हीरो को छोटी मोटी चीजों से कुछ नहीं होता। आज तो मैं तुम्हें पकड़ के ही रहूँगा। काकी ने मुसीबत में है यूबी, जल्दी से मुझ में ताकत भरो। इसमें ब्रेक नहीं है, हट जाओ। लड़की भाग गई, मेरी साइकिल। कौन हो तुम? मैं आज से शहर का नया सुपर हीरो हूँ। पहले तो तुम्हें शहर में कभी नहीं देखा। पहले कहाँ से देखोगी? मैंने कहा ना, मैं नया हूँ, आज ही आया हूँ। दादी तो बहुत भारी है, जल्दी नीचे उतार देता हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया सुपर हीरो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे दोबारा किसी ने परेशान किया तो मैं तुम्हें कैसे बुलाऊं? अपने घर का नंबर दे दूं क्या? अरे नहीं, इससे तो मैं पकड़ा जाऊंगा, कुछ और सोचता हूँ। तुम घबराओ मत, मुझे अपने आप पता चल जाएगा। आसमान से मैं सब देखता रहता हूँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ। वाह, कितना प्यारा है। मुझे हवा में उड़ाने के बाद तुम जमीन पे उतारना क्यों भूल जाते हो यूबी? क्या कहा? कौन था वो जिसने तुम्हें बदमाशी से बचाया? मैं ये तो नहीं जानती कि वो कौन है, लेकिन वो जो भी है वो बहुत बहादुर और प्यारा है। बदमाशों से लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं भी कर सकता हूँ। मैंने भी बदमाशों से लड़ने की ट्रेनिंग ली है। पर वो तो मुझे लेके हवा में भी उड़ा था, मुझे तो अब भी लग रहा है कि मैं हवा में ही हूँ। ताकिमी तो मुझसे बहुत खुश है। काश कि मैं उससे दोबारा मिल पाती। कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया। सब लोग मेरे बारे में बातें कर रहे थे, आज तो मैं सबके सामने हीरो बन गया यूपी। ताकिमी को तो ये भी नहीं पता चला कि वो सुपर हीरो असल में मैं ही था। हाँ, मुझे पता है तुमने मेरी मदद की थी यूबी, पर हम ताकिमी को ये बात नहीं बता सकते ना। बीबी बीबी मिचियो, तुम्हारे लिए ताकिमी का फोन आया है, जल्दी आओ। हाय मम्मी, सुपर हीरो ने मुझे पार्क में बुलाया है। हाँ क्या, उसने तुम्हें मिलने के लिए पार्क में बुलाया है? हाँ, लगता है बहुत बड़ी गड़बड़ है यूबी। सुपर हीरो ने ताकिमी को पार्क में मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मैं तो यहाँ पर हूँ, यानी कि कोई बदमाशी कर रहा है। अब तो चलकर देखना पड़ेगा कि मेरे नाम पर कौन खेल खेल रहा है। तैयार हो यूबी? आज अगर वो झूठा सुपर हीरो पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं, मैं उसकी अच्छे से खबर लूंगा। मैं यूं गया और यूं आया यूबी। बस दो मिनट में आया। ताकिमी, मैं आ गया। ओ हाय मिचियो, मैं आ गया। अरे सुपर हीरो अभी तक आया नहीं, कहीं वो भूल तो नहीं गया? ऐसे कैसे भूल जाएगा, उसने तो मुझसे वादा किया था। वादा तो टूट जाता है। तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखते? तात्या भी नहीं दिख रहा है कहीं पर। अच्छा ही है ना। मेरी ताकिमी, तुमसे मिलने के लिए मैं सात समंदर पार करके आया हूँ।
मुझे तो लग रहा है कि ये तातियो है। मैंने रात को उन बदमाशों से तुम्हें बचाया था। तातियो कहीं तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुम सुपर हीरो हो ही नहीं सकते, तुम झूठे हो। लगता है तुम लोगों को मेरा कमाल दिखाना ही पड़ेगा। अब ये देखो, आज तो तुम्हें छुट्टी कर दूंगा मीची। तुम सब तो पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ। ताकि मैंने ही तुम्हें उन गड्ढों से बचाया था। ये क्या रहा है? क्या हुआ सुपर हीरो? सारी हीरोगिरी निकल गई ना। काश मेरा असली सुपर हीरो यहाँ आ जाए। अरे बचाओ, क्या कर रहे हो? यही सही मौका है कमाल दिखाने का। यू भी तातियो अपनी बेवकूफी की वजह से खतरे में है, पर मुझे उसे बचाना होगा। अरे वो देखो कौन आ रहा है, देखो तो ताकि नहीं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा सुपर हीरो आ गया है। वो लटक रहा है, उससे बचाओ। जल्दी हाँ, जल्दी जाओ। ये तो असली वाला है। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे मिलने आ गए, मेरे सुपर हीरो। हाँ, कल रात मैंने ही तुम्हें बचाया था ताकिमी। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसा नहीं होगा। ये झूठ बोल रहा है। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया मेरे सुपर हीरो, प्लीज अपना चेहरा एक बार दिखा दो। अच्छा ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं तुम्हें चेहरा दिखाई देता हूँ। यूबी, ये तुमने क्या कर दिया? आज मैं सबके सामने सुपर हीरो बनते बनते रह गया। हाँ, ये भी कर सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अभी दिखाता हूँ। अरे मिचियो कहाँ चला गया? मिचियो यूबी, ये सब लेकर छिप जाओ। हाँ ताकिमी, क्या हुआ? मिचियो, तुम्हें अपने दोस्त की फिक्र नहीं है क्या? अरे मैं तुम्हारे लिए मदद मांगने के लिए गया था। हाँ वो सब तो ठीक है। अरे ये जूते किसके पहन के आए हो? अब ये वो क्या? आइडिया, यही सही मौका है। हाँ मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दोस्तों, अब आ गया आपके शहर में नया सुपर हीरो। अच्छा तो अब तुम भी चलोगे? मेरी बात मानो वरना उल्टे लटक जाओगे मेरी तरह। तातियो तुम शांत रहो और कमाल देखो। ये देखो ताकिमी, मैं हूँ नया सुपर हीरो। क्या हुआ नीचे? आए थे हीरो बनने जा रहे हो, हीरो बन के। अब ये उतरेगा कैसे? ओह, यहाँ तो सबके सब झूठे हैं, ना जाने मेरा सुपर हीरो कहाँ चला गया। वही रख के रहो। ताकिमी, मैं ही सुपर हीरो हूँ, यकीन करो। आज हम देखेंगे सर्कस बीबी बीबी। तो यार खबरदार, हो जाइए तैयार, क्योंकि आपके शहर में धूम मचाने आ रहा है काला ड्रैगन। देखने से रुक जाइएगा, काला ड्रैगन सर्कस सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आपके शहर में आ रहा है। तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है यूबी, मम्मी और पापा की परमिशन के बिना हम काला ड्रैगन सर्कस देखने नहीं जा सकते। काला ड्रैगन सर्कस, ये सर्कस तो मैंने बचपन में देखा था, बहुत बढ़िया है। हाँ मम्मी, ये वही काला ड्रैगन सर्कस है, हम दोनों को वो सर्कस देखने जाना है। बेटा तुम और यूबी अभी बहुत छोटे हो, डर जाओगे, पापा से बात करके उनके साथ ही जाना। रात का चंद्रमा गुल है समा, घर पे करूँगा मैं ताक ताक धीना। क्या
देखने है जाना ड्रैगन काला लोगों को तुम निकलो निकलो घर से बाहर भरपेट खा के खाना जाऊंगा मैं बिस्तर और बजाऊंगा बंसी की नींद रात भर एक बार दो बार तीन बार चार बार जितनी कहो बार जाएंगे नहीं देखने एक भी बार। मैं समझ गया पापा आपको काला ड्रैगन से डर लगता है इसलिए आप बहाने बना रहे हैं। ऐसा क्या ओके जरूर जाएंगे तो अब मम्मी की मिर्चियों खाना दे दो मेरा दो। क्या लेकिन पापा आपने तो कल रात को प्रॉमिस किया था। बिछिए और बात गई जाओ स्कूल करके नाश्ता चुपचाप करना नहीं दोबारा बात भी बिल्कुल बारे में इस मिचियो गई बहुत देर तीन दो एक। सुनिए आपने टोस्ट को पर्स समझ कर अपनी जेब में रख लिया। मम्मी की मिचियो समझ पर्स को टोस्ट लो रख आता को शाम हूँ। ये तो गलत बात है पापा ने हम दोनों को उल्लू बनाया। मिचियो मैं सोच रही हूँ सबको अपने हाथ का बना केक खिलाऊं। ताकि मैं ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है मैं तो सोच रहा था तुम्हारा हाथ का केक खाया जाए बड़ा मजा आएगा। अच्छा सच में तुम कब आना चाहोगे। मैं तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। ठीक है मैं तुम्हें जल्दी फोन करूंगी। ये तातियों का तो कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये क्या काला ड्रैगन तुमने तो कमाल कर दिया यूबी। अरे यूबी पापा हमें काला ड्रैगन दिखाने नहीं ले गए तो क्या हुआ। मुझे पूरा यकीन है कि तुम काले ड्रैगन को यही ले आओगे। अब हमें पापा के भरोसे नहीं रहना है। यूबी एक बार फिर से काले ड्रैगन को बुलाने की कोशिश करो ना। और क्या बात है यूबी ये आ क्यों नहीं रहा है। ओहो वो किताब कहाँ गई। हाँ ये रही इसमें से हमें काला ड्रैगन बुलाने की सारी तरकीबें मिल जाएंगी। यस सबसे पहले पिरामिड को सर पे खड़ा करो। पिरामिड को सर पे खड़ा करने के बाद नीचे लिखे हुए मंत्र को 108 बार पढ़ो। अरे अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। अरे यूबी हिलो मत पिरामिड गिर जाएगा हिलो मत। ये तरीका तो नहीं चल पाएगा दूसरा आजमाते हैं। बाथटब के अंदर पानी भर के बैठ जाइए कम से कम 4 घंटे बैठे रहिए। अब टब को 3 तरफ से बंद कर दीजिए 1 2 3। अब यूबी को काला ड्रैगन बुलाने की ताकत जरूर मिलेगी। यूबी तुम यहाँ क्या कर रहे हो बच्चे चलो बाहर आओ पानी में रहोगे तो बीमार हो जाओगे। अरे ये तरकीब भी नहीं चली। संभल के यूबी देखो ज्यादा दूध पीने से कहीं पेट खराब ना हो जाए वरना हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। यूबी बस करो यूबी। काढ़ी काढ़ी का नाची का निका माया का नाच का है तो ड्रैगन काला जैसा ये ड्रैगन काला ड्रैगन काला भागो छुपाओ छुपाओ ड्रैगन काला भागो बिगाड़ क्या मेरे तुम्हारा ड्रैगन काला अब जाओ यूबी और पापा कभी भी रात गई बात गई भूल के भी नहीं बोलेंगे है ना। अरे काला ड्रैगन छोटा क्यों होता जा रहा है। मेरा छोड़ दे चेचे जी पीछा से छोड़ दे। अरे अरे ड्रैगन काले पड़ा है पीछे क्यों मेरे छोड़ दे मुझे अब बचाओ अब बचाओ। अरे अगर मर मैं अगर मगर मैं यार जब आ जाऊँ अरे बचाओ। ड्रैगन को क्या हो गया।
पापा कितने अच्छे अच्छे करतब दिखा रहे थे। आज दूध नहीं खाएंगे खाना। बीबी, बीबी। ये क्या? ये सर हाथ धोकर मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? नहीं करवाऊंगा साइन। मैं जी हाँ। मैं ठीक से करा और तुम मुझ पर गुस्सा निकालता है। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। डरा दिया, मजा आ गया। टाटे हो, ये क्या तरीका है मजाक करने का? कचरे में क्या फेंक रहे थे मिचियो? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुमसे मतलब क्या? वैसे तो मैं समझ गया हूँ कि वो तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है जिसपे अंकल आंटी की साइन होनी है। कल साइन जरूर लेकर आना मिचियो। टाटे हो तो सका, साइन नहीं लाओगे तो सर को ही भेज दूंगा तुम्हारे घर। ये टाटे हो अपने काम से काम क्यों नहीं रखता है? जब देखो परेशान करता रहता है। एक दिन ऐसा सबक सिखाऊंगा कि हमेशा याद रखेगा। मम्मी मैं आ गया। कचरे के डिब्बे से अपना रिजल्ट उठाकर लाए या नहीं? आपको कैसे पता मम्मी? साथियों थोड़ी देर पहले बता कर गया है। और कितनी बार तुमने कचरे के डब्बे में रिजल्ट फेंके हैं? टाटे हो तो सका, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ा है? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मिचियो, तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आया है। आने दो, आज तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये ले। क्या हुआ? मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मैं तो आंटी को ये बताने आया हूँ कि मिचियो क्लास में फर्स्ट आया है। वो तो किसी और का रिपोर्ट कार्ड लाया है जिससे वो खुद कंफ्यूज हो गया था। मैं आपको गलत बातें बता रहा था, मुझे माफ कर दो आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। क्या बात कर रहे हो टाटे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें गलत समझता रहा, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। मिचियो मेरे भाई, सारी दुनिया मुझे गलत समझती है, सिर्फ तुम ही मुझे समझ पाए। मैं तुम्हारा असर कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ। तुम मुझे नहीं जानते मिचियो, इस बार ऐसा रॉकेट लगाऊंगा कि तुम जिंदगी भर उड़ते रहोगे। और उसके बाद तुम मुझे कभी नहीं भूल पाओगे, बस एक टांग पे खड़े होके मुझे याद करते रहोगे। मैंने कुछ बोला क्या? बीबी बीबी क्या बात है यूबी, तुम तो मन के अंदर चल रही बातों को भी जान सकते हो। बीबी, ये एक ऐसी ताकत है जिसे पाने के लिए पुराने जमाने में लोग रात रात भर जग कर ध्यान लगाते थे और वो आग के अंदर बहुत सारा खाना चढ़ाते थे। तब जाकर आग में से एक राक्षस निकलता था और लोगों को ये ताकत देता था। बीबी, बीबी, बीबी। अरे याद आया, आज तो ताकिमी के यहाँ केक खाने जाना है। बीबी, बीबी, बीबी। यूबी तुम यही रहो, हर जगह तुम्हें साथ चलने की जरूरत नहीं है। क्या मौका मिला है, आज टाकेमी के हाथ के बने केक की इतनी तारीफ करूंगा कि वो रोज मुझे खाने पर बुलाएगी। बीबी, बीबी। कैसे हो दोस्तों, क्या तुम सब केक खाने के लिए तैयार हो? बीबी, बीबी। तो चलो खाना शुरू करते हैं। कैसा लगा? ये वो बहुत ही टेस्टी है। ए, मिचियो मेरी लाइन क्यों कॉपी करते हो? मैंने कॉपी नहीं की। झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम हमेशा मेरी कॉपी करते रहते हो। मेरी कॉपी करना कब छोड़ोगे? चाहते हो? चाहते हो? जबान संभाल कर बात करो, समझे? सुबह की धुलाई भूल गए हो क्या? फिर से धुलाई करूँ क्या तुम्हारी? मिचियो ये तुम क्या कर रहे हो? यूबी ये सब मत करो ना प्लीज। मिचियो क्या तुम्हें जरा भी पता नहीं कि दूसरों के घर में कैसे पेश आते हैं? हाँ, वैसे मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत अच्छा लगता है। अरे तुम लोग केक केक क्यों नहीं खा रहे हो, बताओ ना कैसा है? अभी बताता हूँ। केक तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है ताकि मैं।
इतना घटिया केक तो मैंने आज तक नहीं खाया। हाँ,